कढ़ी बनाने का तरीका बता दें। तवी कढ़ी, ये 1 किलो दही है और ये 1 पाव हमने पानी लिया है दही का, इससे अच्छी कढ़ी बनती है और खट्टी बनती है। ये 4 चम्मच हम इसमें मिर्च डाल देंगे। धनिया डालना है 2 चम्मच, भर के 2 चम्मच। हल्दी डालना है, इनके हल्दी से ही बनती है, 4 चम्मच डाल। मीडियम साइज की हमने 2 प्याज की गंठिया ली थी, तो 1 पाव दही में हमने पीस ली है। इसमें हम अब शामिल करेंगे, एक कप घी हम लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल, अब हम इसमें 1 पाव ये बेसन डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अब हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम पानी शामिल कर रहे हैं, पानी में शामिल कर रहे हैं कढ़ी का मसाला जितना भी। दो चम्मच हम नमक डाल रहे हैं और बाद में देखें जरूरत पड़ेगी तो फिर डाल। हम 3 से 4 घंटे के लिए कढ़ी पकाएंगे, जब तक जितनी देर पकेगी उतनी अच्छी कढ़ी होती है। 3 से 4 घंटे पकाएंगे इसको, इंशाल्लाह बहुत अच्छी मज़े की बनेगी। मसाला हमें चढ़ाया हुआ, अब हम इसको चला के छोड़ देंगे ताकि ये हल्की आंच पे पकता रहे। खोल आ चुकी है इसमें और हम थोड़े थोड़े वक्त से देखेंगे, हल्की आंच पे पकने के लिए रख देते हैं 3-4 घंटे के लिए और देख चेक करते रहेंगे। देखें हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है, हमने 4 घंटे इसको पकाया है। ये देखिए कढ़ी हमारी, हम पकौड़े बना के इसमें डालते हैं। देखिए ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं पकौड़े तलने के लिए। ये तेल गरम हो जाए हमारा, जब तक हम बेसन की तैयारी करते हैं पकौड़ों के लिए, ताकि बेसन बनाए फिर पकौड़े बनाएंगे। ये 1 पाव बेसन है जो हमने छान के रख लिया था पहले ही। इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, मीठा सोडा है खाने वाला, ये 1/4 हिस्सा डाल रहे हैं। ये प्याज डाल रहे हैं, इसमें हरा धनिया डाल रहे हैं पकौड़ों में, और मिर्ची नहीं डालेंगे इसलिए हमने कढ़ी में मिर्ची डाल दी है।
अंदर तक सिक जाए। मीडियम आंच पे पका रहे हैं। ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम कढ़ी में डालेंगे। अब हमने लहसुन डाल दिया है। लहसुन देर से होता है गुलाबी, तो इसलिए अब ये मिर्च डालना है भगार में। डालना है भगार के लिए। अब हम प्याज डाल रहे हैं इसमें। तैयार हो रहा है। ये देखिए हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। ये कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी है कढ़ी। और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो